हमारी आज की जर्नी आसाम के फेमस काजीरंगा नेशनल पार्क की है, जो गुवाहाटी से करीब 190 किलोमीटर की दूरी पर है। काजीरंगा की ओर जाने वाला रास्ता बहुत स्मूथ और हरियाली से भरा था। टाइगर्स की संख्या बढ़ने से 2006 से इसे काजीरंगा टाइगर रिजर्व भी कहा जाता है। यहां पार्किंग की अच्छी सुविधा है। एंट्री में ही स्नैक्स की शॉप अवेलेबल है। यहां पर दो तरह की सफारी का आनंद आप ले सकते हैं, एक जीप सफारी और दूसरी एलिफेंट सफारी। एलिफेंट सफारी के लिए यहां विजिटर्स सुबह से ही आ जाते हैं, जिन्होंने पहले से ही एडवांस बुकिंग की होती है। एलिफेंट सफारी के दो स्लॉट हैं, जो सुबह 5:30 से 7:30 तक होती है। जीप सफारी के भी दो स्लॉट हैं, एक सुबह 8 से 10 और दूसरी दोपहर 2 से 4 तक। कुछ ही देर बाद हमने काजीरंगा पार्क में एंट्री की। वाकई सुबह का इतना मनमोहक दृश्य शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। पार्क में सुबह की सफारी का आनंद ही कुछ और है। अगर आप एलिफेंट सफारी करना चाहते हैं तो पहले ही एडवांस बुक कर लें। इसके लिए आप अपने होटल की भी मदद ले सकते हैं। काजीरंगा विजिट करने का बेस्ट टाइम नवंबर से फरवरी है। काजीरंगा मई से अक्टूबर तक बारिश और ब्रह्मपुत्र फ्लड्स के कारण बंद रहता है। सफारी के साथ साथ यहां कई अट्रैक्शंस हैं, जैसे वन हॉर्न राइनो, जंगली हाथी, टाइगर्स और बहुत से जीव जंतु को भी आप देख सकते हैं। पक्षियों के शौकीनों के लिए यहां बहुत से बर्ड्स की स्पीशीज आपको दिख जाएगी। इस मनमोहक जर्नी की यादें लेकर हम वापस होटल की तरफ चल पड़े। आशा करते हैं आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज इसे लाइक और शेयर करें और साथ ही हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब करें।